हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ इस टाइप से लोगो डिज़ाइन करना है पिक्स आर्ट से अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो सिंपली सबसे पहले आपको पिक्स आर्ट को ओपन करना है। पिक्स आर्ट को ओपन करने के बाद आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको पिक कैनवास में जाना है। पिक कैनवास में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड का साइज सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपको एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट इमेज पे क्लिक करना है। एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद क्रॉप में जाना है और बैकग्राउंड को क्रॉप कर लेना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एड फूड में जाना है। एड फूड में जाने के बाद आपको ब्लैक कलर PNG को ऐड कर लेना है और हल्का सा रोटेट करना है आपको, और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर देना है। उसके बाद आपको ब्लेंड में जाना है। ब्लेंड में जाने के बाद आपको मल्टीपल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली एडजस्ट में आना है। एडजस्ट में आने के बाद आपको कंट्रास्ट को बढ़ा देना है। कंट्रास्ट को बढ़ा देना है। सिंपली आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट कर देना है और कुछ इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद आपको फ्लिप रोटेट पे जाना है और कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको रोटेट करके सेट करना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एड फूड में जाना है। एड फूड में जाने के बाद आपको कलर PNG को ऐड कर लेना है। कलर PNG को ऐड करने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में आने के बाद आपको कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लेंड में जाना है और स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके से आपको रोटेट करना है। कुछ इस तरीके से आपको रोटेट करके सेट कर लेना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद एड फूड में जाना है। एड फूड में जाने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। अगर आपको अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। तो फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपनी फ़ोटो को सेट कर लेना है। उसके बाद आपको रेजर पर डबल टैप करना है। हार्डनेस को कम कर लेना है। साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना है और अपनी पिक्स को जूम करना है और कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना है। उसके बाद आपको रेजर पर डबल टैप करना है। हार्डनेस को बढ़ा लेना है। साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एड फूड में जाना है। एड फूड में जाने के बाद आपको टैक्स PNG को ऐड कर लेना है। अगर आपको अपने चैनल का नाम लिखना है तो सिंपली आपको यहाँ पर टैक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको एड फूड में जाके मिस्टर स्मार्टी PNG को ऐड कर लेना और कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सर्किट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक्स को थोड़ा सा जूम करना है। जूम करना है और कुछ इस तरीके से आपको सर्किल को सेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको सर्किल को सेट कर लेना है अपनी पिक्स के ऊपर। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सर्किल का साइज कम कर लेना है और सिंपली ओके पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको सर्किल के अंदर सर्किल को ऐड करना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एड फूड में जाना है।
एड फुट में जाने के बाद आपको वाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, वाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। और कुछ इस तरीके से आपको अपनी पिक्स को जूम करना है, जूम करने के बाद आपको वाइट बैकग्राउंड को सेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है वाइट बैकग्राउंड को। यस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक्चर्स को सेव कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।